नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग आ गए हैं, जैसे आपको पता है कि जो PCS के फॉर्म अभी रिलीज़ हो गए हैं, उनकी डेट आ गई है। और इस बार जो टोटल पद लिए जा रहे हैं वो लगभग कितने हैं, 364। पिछली बार की अपेक्षा लगभग एक तिहाई है। पिछली बार 900 से ऊपर वैकेंसी थी और इस बार 364। अभी उम्मीद है ये वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है, हर बार होता है, ये भी बढ़ेगी। तो पिछली बार 900 कुछ पदों पर भर्ती थी, जिसका इंटरव्यू अभी मेंस लगा हुआ है, यानी 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, इस बार हम लोग 2020 जो 2019 का PCS है उसको कैसे दें। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप PCS की तैयारी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं, या फिर कर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी बिगनर है, जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि हम तीन बातों को, विशेष तीन बातों पर बात करेंगे कि क्या वो तीन बातें हैं जिसके द्वारा आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है कि क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। पहला पॉइंट ये है, देखिए मेन बात है, जो PCS का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, ठीक है, और करंट अफेयर सबसे बड़ा मेन फैक्टर, और प्लस उसके बाद ऑप्शनल भी आता है, ठीक है, प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती है। मेंस में आपको पांच पांच पेपर लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मतलब पूरा शेड्यूल है उसके लिए एक बड़ा उबाऊ सेशन है। यदि आप ज़्यादा बुकें आपको पढ़ना पसंद नहीं है, ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब आप डील करना पसंद नहीं करते हैं कि न्यूज़पेपर भी पढ़ें, मैगज़ीन भी पढ़ें, बुकें भी पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि बुकों को पढ़ने के लिए, क्योंकि PCS मतलब क्या, जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, आप समाज के लिए काम करने जा रहे हैं। तो समाज के लिए काम करने के लिए आपको पहले समाज को पूरी तरह से समझना होगा, क्या उसके हिस्ट्री के बैकग्राउंड है, क्या उसके ज्योग्राफी के बैकग्राउंड है। यदि मान लीजिए आपको कहीं का SDM बना भी दिया जाता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना भी दिया जाता है आपको, या फिर DSP बना दिया जाता है, तो आप वहाँ के माहौल के हिसाब से आप कैसे वहाँ पर काम करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, ठीक है। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो यूपी का भी स्पेशल सिलेबस वहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि यूपी के बारे में भी आपको, क्योंकि हम स्टेट PCS यानी यूपी PCS की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बुकों में, ठीक। यदि आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। दूसरा नंबर है कि क्या आपको न्यूज़पेपर का पढ़ना पसंद है। बहुत लोगों को होता है कि सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं होता, कुछ लोग द हिंदू पढ़ते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीय दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संसद का पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं कुछ भी नहीं पढ़ते, अमर उजाला पढ़ के काम चला देते हैं। तो आपको डेली अपडेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये PCS जो है, ये पुराना वाला PCS भी अपडेटेड हो गया, ये लगभग अब UPSC की तरह ही पेपर बनाता है। तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, दूसरी, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या आप पर डे 6 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो आपके अंदर काबिलियत है कि हाँ, आप PCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यदि ये तीन चीज़ें हैं तब हम लोग अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहले आप इस अपने आप को जांच लीजिएगा, ऐसे मत कूदिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि सही मार्गदर्शन ना मिलना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत भी पढ़ाते हैं, कुछ सही भी पढ़ाते हैं, तो आधी अधूरी बातें बताते हैं, तो डाइवर्सन बहुत है। आपको सटीक रणनीति, यदि 1 साल या 2 साल के अंदर आपको निकालना है, सटीक रणनीति आपको पता होनी चाहिए। दिसंबर में एग्ज़ाम बोला जा रहा है, 5 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा, देखते हैं शायद डेट बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, हमारी इस बार तो लगता नहीं, क्योंकि जो आयोग है वो बहुत ही सख्ती से काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में और क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो पहली चीज़, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और चौथा इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, पाँचवा इन्वायरमेंट हो, ठीक है, छठा करंट अफेयर हो, और बाकी और भी कई सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक हुआ, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हुआ जो हिस्ट्री के सेशन में आएगा। अब हिस्ट्री में यहाँ पर तीन में, एक मिडिवल में होती है, फिर एक मॉडर्न में होती है, फिर क्या एक आर्ट एंड कल्चर होता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में होता है, तो ये भी बटी हुई होती है, ठीक है। तो आपको सबको क्या करना है, तैयार करके चलना। अभी यदि आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 1 साल में ये तैयार कर, यानी 1 महीने 2 महीने में तैयार कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, या फिर आप सीधे शॉर्टकट जाइए, या फिर घटना चक्र के साथ
चले जा सकते हैं, पर मेंस में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको ब्रीफ नॉलेज चाहिए होता है। तो ये सब हम लोग कैसे कवर करें और पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। आप किसी भी सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ें, चाहे वो फिर पॉलिटी पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी, आपको तीनों को कंबाइन करके चलना है। कभी भी किसी भी सिलेबस को उठाए तो आपके मन में एक कम से कम प्रश्न तो उठने चाहिए कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ और ये किस कारण हुआ। ये सब जो पांच प्रश्न है ये आपके मन में उठने चाहिए। तब आप क्या करेंगे, सही चीज़ से उसके डिफ, आपने सुना होगा कि किसी को पीसेस को क्लियर करने में 4 साल लगे, किसी को 8 साल लग गए, तो वो इसी कारण होता है कि उनके पास स्ट्रेटजी की क्या होती है, कमी होती है। पर वो अपनी हार्ड वर्क से क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। मेरे भी एक मित्र ने इस बार UPPCS में क्रैक किया, वरिष्ठ अधिकारी हुआ, ठीक है। तो वो कैसा, उसकी भी प्लानिंग में जब उसके साथ रहा तो मैंने भी उससे बहुत सी चीज़ें सीखी कि मतलब वो कैसे प्लान करता था, हर चीज़ को वो एकोमोडेट कर देता था, मगर चीज़ों को क्या कर देता था, एकदम जोड़ देता था। कि फिर मैंने भी उससे चीज़ें कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप तैयारी करें, तो वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को यदि पढ़ना तो उसको सेंटर पर रखिए और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और करंट अफेयर से उस चीज़ को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तब वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, परफेक्ट और बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 364 वैकेंसी इस बार निकली हुई है, उम्मीद है कि आगे पद बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पद नहीं बढ़ेंगे, एक अच्छा मौका है। जिनकी तैयारी है, हम लोग भी अभी प्रिपरेशन पीरियड में ही चल रहे हैं, पर यह है कि यदि आपको सही डायरेक्शन, सही ज्ञान यदि मेरे से हो सकता तो मैंने ट्राई किया कि हाँ मैं आपको सही डायरेक्शन दे सकूं। कि यदि आप 6 घंटे पर डे या 7 घंटे पढ़ेंगे, अभी तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 1.5 महीने एग्ज़ाम के बच्चे होंगे, यदि सही तरीके आयोग के हिसाब से बोला जाए। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 10-12 घंटे कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इतने सब्जेक्ट हैं, आपको पूरा कवर करने में बहुत समय है। और प्लस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो है यूपी स्पेशल, यूपी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप तैयारी करने का मन बना रहे हैं और तैयारी करने का सोच रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरें, इस बार अटैम्प्ट दें। और यदि आप नए हैं तो आप इस बार को अटैम्प्ट दीजिए, पेपर को एनालाइज़ कीजिए और फिर अगले साल फिर से ट्राई करिए। मैं ऐसा नहीं है कि लोग 2 महीने में एग्ज़ाम निकालते, 2 महीने में भी एग्ज़ाम निकालते हैं, जो बहुत जिनका अच्छा है दिमाग होता है, जिनका IQ लेवल बहुत हाई होता है, मैं उनकी बात जरा सा भी नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको टाइम लगता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये जो मैंने जानकारी दी आपके लिए लाभदायक होगा। और दूसरी चीज़, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने दिमाग में एक बात जरूर याद रखें, एग्ज़ाम की सबसे पहली तैयारी होती है उसके सिलेबस से। आप कुछ ना पढ़ें, किताब पढ़ें ना पढ़ें, आप सिलेबस को पढ़ें। जब मैंने PCS का एग्ज़ाम दिया था तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मगर जब मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया तब मुझे समझ में आ गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। तो वो एनालाइज करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिलेबस को देखें और सिलेबस को देख करके फोकस करें और सिलेबस को एकदम रट लें, याद कर लें। वही जब आप सिलेबस को पूरा याद कर लेते हैं तो 20% आपका काम वहाँ पे हो जाता है, उसके बाद जो भी काम बचता है वो ये किताबें करती हैं, आप उसको कवर करें। हिस्ट्री के लिए आप कई बुकें आती हैं NCERT के साथ, यदि आप चाहें तो सभी के साथ NCERT जा सकते हैं, NCERT आप खरीदिए। फिर पॉलिटी के लक्ष्मी का स्पेशल बुक है, मैग्राहल की ज्योग्राफी बुक आती है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट के नोट्स इंग्लिश में अच्छे मिलेंगे शंकर IAS के, ठीक है। करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, चाहे तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संकरण ले लें, या फिर द हिंदू, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो द हिंदू भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए, कि साइंस एंड टेक भी द हिंदू से कवर हो जाएगा, आर्टिकल से काफ़ी चीज़ें वहाँ से होती हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, इतनी ही इस वीडियो में बात की। यदि आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हो, यदि आपको दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, धन्यवाद।